आज की जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है दोस्तों हर अभिकर्ता के सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, चाहे वो अभिकर्ता नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे अभी नया अभिकर्ता बनने वाला हो। क्योंकि ये जो तीन बड़े सवाल हैं कि LIC एजेंट को कितना कमीशन मिलता है, LIC एजेंट को साल में कितनी पॉलिसी करनी होती है, LIC एजेंट को फिक्स सैलरी कितनी मिलती है, ये तीन बड़े सवाल है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पर बने रहें। और दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे अछूती ना रह जाए। दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, और मेहनत के बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। तो इस मेहनत पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन तो जरूर बनता है, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है, और इसी मोटिवेशन के बेस पर हम अगली वीडियो तैयार करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी हिट कर दिया होगा। दोस्तों ये जो सवाल हैं ये अक्सर एजेंट के दिमाग में आते हैं, लेकिन इसका सवाल का जवाब बहुत मुश्किल से उसको मिलता है, क्योंकि काफ़ी जगह पर भटकने के बाद उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, और कई को तो मिल भी नहीं पाती, क्योंकि ये जानकारी हर एक व्यक्ति नहीं दे पाता उसको, और कई माध्यम से भी नहीं मिल पाती। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठे की और आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन या तीनों बड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो को हम दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो, इन्फॉर्मेशन को समझने में आसानी हो। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने आगे भाइयों को भी आगे फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि एजेंट का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, और उसको कैसे उसको फुलफिल करना होता है। तो इसमें मैंने चार कैटेगरी लेके चले, जिसको हम MBG बोलते हैं, मतलब मिनिमम बिजनेस गारंटी। एक एजेंट को मिनिमम बिजनेस गारंटी पूरी करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसी, वो पॉलिसी कितनी करनी है। दूसरा आता है प्रीमियम, फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें, मतलब पहले साल कितना प्रीमियम देना होता है उसको। तीसरा आता है टाइम पीरियड, यानी कि कितने साल के अंदर वो काम करना होता है उसको। और चौथा हम बात करें कि उसकी एजेंसी कभी भी बंद ना हो, टर्मिनेट ना, उसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले जो चलते हैं दोस्तों पॉलिसी पे, आप देखेंगे सबसे पहली जो कंडीशन होती है MBG को पूरा करने के लिए होती है 6 लाइफ या 50,000 का प्रीमियम पूरा कर दें एक साल के अंदर, जिसमें उसका GST काउंट नहीं होता। प्रीमियम जो होगा बेस प्रीमियम काउंट होगा, इसमें GST काउंट नहीं होगा। दोस्तों ये अपने ध्यान रखना है कि जो भी एक्यूरेट प्रीमियम वो होगा, GST वाला जो पार्ट है उसको आप माइनस कर देंगे। जो 4.5% GST लगती है पहले प्रीमियम पे, वो हटा करके जो प्रीमियम बनता है वो आपका प्रीमियम है। तो पहली कंडीशन है कि 6 डिफरेंट लाइफ होनी चाहिए, यानी कि 6 अलग अलग लोगों का पॉलिसी होना चाहिए, और 50,000 का प्रीमियम साथ में होना चाहिए, तो आपका ये MBG पूरा हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये कि या तो आप 12 लाइफ कर दें, प्रीमियम की कंडीशन नहीं रहेगी यहाँ पे, 12 लाइफ कर दीजिए तो भी आपका MBG का टारगेट पूरा हो जाता है, आपकी एजेंसी बरकरार रहेगी और आपको कमीशन भी पूरा मिलेगा। और तीसरी कंडीशन है कि या 1,00,000 का प्रीमियम ला दीजिए। तो अब ये जो 1,00,000 का प्रीमियम है, जाहिर सी बात है जब 1,00,000 का प्रीमियम लाएं तो कुछ ना कुछ पॉलिसी जरूर करेंगे इसमें, तो वो 12 लाइफ हो सकती है और 6 डिफरेंट लाइफ हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर देते हैं तो आपकी एजेंसी बरकरार रहेगी, आपका MBG जो है वो पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, कि मतलब एजेंसी हमने ली तो हमारी एजेंसी कैसे काउंट होती है, हमारा जो बिजनेस है वो किस हिसाब से काउंट होता है। तो अब यहाँ पे हमने एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो टाइम पीरियड की बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है दोस्तों। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की कि एग्जांपल पहला लिया है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट डेट 1 जनवरी 2024 है, यानी कि इसी साल 24 में कोई एजेंट अभिकर्ता बना है, तो उसकी एजेंसी का जो टाइम होगा वो 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक काउंट होगा। इस बीच में उसको अपनी 6 लाइफ, 50,000 का प्रीमियम या 1,00,000 का प्रीमियम या 12 लाइफ करनी है, ये उसका टाइम पीरियड होता है एजेंसी का। ज़्यादातर तो लोग मार्च से लेकर अप्रैल तक समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। आपका एजेंसी की जो डेट होती है वो अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से काउंट होती है, आपका जो ईयर होता है वो अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से काउंट होता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किसी की एजेंसी जो है वो 1 अप्रैल 2024 को ली है, तो उसकी एजेंसी का साल कब खत्म होगा, तो उसकी एजेंसी का साल खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 तक। मतलब इसमें आपने कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है, जिस डेट से आपकी एजेंसी स्टार्ट हुई है उस डेट के अगले साल को एक दिन पहले ख़त्म हो जाएगी, यानी जैसे कि 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई है तो 31 दिसंबर 2024 को उसके एक साल पूरे हो जाते हैं, तो ये उसका एजेंसी ईयर हो गया। और यहीं पे इसका दूसरे वाले का देखें तो 1 अप्रैल 2024 से है तो उसका हो गया 31 मार्च 2025 तक।
अब कई अभिकर्ता सवाल पूछते कि जैसे मैंने 15 तारीख को लिए तो मेरी वो पूरा महीने काउंट होगा कि आधा महीना काउंट होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, रूल के हिसाब से तो आपका 15 तारीख को अगर है तो अगले उसी डेट को 14 तारीख को आपकी एजेंसी ख़त्म होगी, लेकिन क्या है कि LIC कई बार रिलैक्सेशन देती है कि आपको पूरा महीना काउंट कर लेती है। इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आपकी 15 तारीख की अगर डेट है तो मैं पूरा महीना लेके चलूंगा। LIC रिलैक्सेशन दे देती है, लेकिन आपने अपनी कंडीशन के हिसाब से काम करना है कि 15 अप्रैल अगर आपकी डेट है, कोई भी महीने की 15 तारीख अगर डेट है तो उसी महीने की अगले साल की 14 तारीख को आपका एजेंसी ख़त्म हो जाती है, उस साल पूरे हो जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसमें हमारा कमीशन कभी नहीं रुकेगा, मतलब हमारा जो कमीशन वो आता रहेगा चाहे हम काम करें या ना करें। तो पहली कंडीशन ये है कि आपका 5 साल तक आपका काम पूरा होना चाहिए, यानी कि 5 साल तक जो MBG आपने कंप्लीट किया हो, और कम से कम 25 लाइफ, यहाँ पे पॉलिसी नहीं, 25 लाइफ आपकी फोर्स हो, इनफोर्स हो, मतलब चलती हुई हो। जिस दिन आप काम को छोड़ें, मान लीजिए 5 साल बाद इस काम को छोड़ना चाहते हैं, तो जब आप छोड़ रहे हैं उस समय आपकी 25 लाइफ इनफोर्स होनी चाहिए और 5 साल तक आपका काम जो है MBG वाला पूरा होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन, इसके बाद आपका कमीशन कभी नहीं रुके, चाहे आप काम करें ना करें आपको कमीशन आता रहे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका मिनिमम 10 साल आपका बिजनेस होना चाहिए, तो भी अगर 10 साल बाद भी छोड़ते तो आपका कमीशन जो है, जो भी आपने बीमा किया हुआ उसका जब भी रिन्यूअल जमा होगा उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। और तीसरी कंडीशन आती है कि अगर किसी वजह से फिजिकली हैंडीकैप हो गया बंदा, ड्यू टू एक्सीडेंट या कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाया, लेकिन उसने कम से कम 2 साल अपना काम किया है और 12 लाइफ उसकी इनफोर्स है, तो भी LIC उसको कमीशन देती रहेगी जब तक उसकी पॉलिसी जो उसके द्वारा की गई चल रही होंगी। तो 3 कंडीशन, इसको आपने ध्यान रखना है। और दोस्तों कोशिश करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने पास को बचा कर रख सकें। अब हम आते हैं कि हमारी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट ना हो, उसके लिए हमें क्या काम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन बताए हैं जहाँ पे आपकी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट होगी, अगर ये तीनों में से कोई भी एक काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि आपके 21 साल तक आप अगर एजेंसी में काम कर रहे हो, आपका MBG कंप्लीट है, तो आपको आपकी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। दूसरा है कि 15 साल काम कर लिया हो और आपकी एज 55 साल क्रॉस कर गई है, तो भी आपकी एजेंसी कभी टर्मिनेट नहीं होगी। तीसरा है कि 15 साल कंप्लीट कर लिया हो और आपका जो रिन्यूअल प्रीमियम है वो 2 लाख से कम नहीं है, तो भी आपकी एजेंसी कभी टर्मिनेट नहीं होगी। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं इन तीनों में से, तो आपकी एजेंसी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी और आपका रिन्यूअल इनकम हमेशा आता रहेगा और नया बिजनेस भी आप करते रहेंगे। अब एक कंडीशन आती है कि हमारी एजेंसी पे हमें 0 कमीशन कब मिलेगा, मतलब कि ऐसा कब काम होगा कि हमारा कमीशन 0 हो जाएगा। तो ये तभी होगा दोस्तों जब अपना आप MBG कंप्लीट नहीं करें, यानी कि मिनिमम बिजनेस गारंटी अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका कमीशन जो है 0 हो जाएगा। और ये उस एजेंट के लिए लागू होता है जिसका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अगर किसी ने 3 साल काम किया और 4th साल अपने MBG पूरी नहीं करता तो उसको उस साल 0 कमीशन मिलेगा, उसको कोई रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। 4 साल भी किए हैं और उसके बाद काम नहीं कर रहा तो भी उसको कोई रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा, वो 0 कमीशन मिलेगा उसको। इसीलिए कोशिश ये करना है कि अगर आपने एजेंसी ली और एजेंसी लेने की सोच रहे हैं तो मिनिमम 5 साल इस एजेंसी को चलाएं और 5 साल पूरे MBG बिजनेस को पूरा करें, ताकि आपको 6ठे साल से नहीं काम करने की वजह से भी आपके रिन्यूअल कमीशन पर कोई फ़र्क ना पड़े। आप 5 साल पूरा करते हैं काम को और MBG कंप्लीट करते हैं तो LIC आपको पूरा कमीशन देगी, जो भी आपका कमीशन बनता है। अब हम आते हैं कि क्या एजेंट को फिक्स सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एजेंट को फिक्स सैलरी मिलती है। बताते हैं किन एजेंट को मिलती है। आपके स्क्रीन पे दोस्तों LIC एजेंट एलिजिबल है मंथली सैलरी के लिए अगर वो इस 2 कैटेगरी में आता है, तो पहला RCA, दूसरा CCA। RCA होता है रूरल करियर एजेंट और CCA होता है सिटी करियर एजेंट। अगर RCA की बात करें तो RCA जो है उसको महीने का 5,000 रुपये मिलता है, और वहीं पर CCA की बात करो तो महीने का 7,000 रुपये मिलता है। अब ये दोनों क्या होते हैं और दोनों कैसे बनते हैं, दोनों के क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं और क्या क्या टारगेट पूरे करने होते हैं, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख लेंगे, और नहीं तो मेरी गैलरी पे भी जाके यूट्यूब के उस पे जाके देख सकते हैं। RCA और CCA के बारे में हमने बात कर रखी है और पूरा कंप्लीट डिटेल वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब आता है कि एजेंट को किस प्लान में कितना कमीशन मिलता है। दोस्तों हर प्लान का अलग कमीशन है, हर टर्म का अलग कमीशन है।
और ये डिटेल कमीशन में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जो मंच है, आप भी समझ सकते हैं, ये जो मंच ग्लोबल है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कमीशन को साझा करना सही नहीं रहेगा, एथिकल नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे एक मैसेज डालेंगे, हाय लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना सिटी या स्टेट लिखेंगे, साथ में LIC का ब्रांच कोड ज़रूर डालेंगे और आप ये मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे और मैं आपको कमीशन चार्ट भेज दूंगा। इस कमीशन चार्ट के अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि किस प्लान पे कितना कमीशन मिलना है, रिलमेंट कमीशन कितना मिलना है, बोनस कमीशन कितना मिलना है, सब कुछ डिटेल है। लेकिन ये मंच ठीक नहीं रहेगा क्योंकि और भी भाई लोग इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, तो ये हमारी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम पर्सनली शेयर करेंगे। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको मैं ये चार्ट भेज दूंगा। दोस्तों ब्रांच कोड ज़रूर लिखें, नाम ज़रूर लिखें, अपने स्टेट ज़रूर लिखें। इसके पीछे जो लॉजिक हो हमारा ये है कि आप जिस ब्रांच में भी काम करते हैं, कल को हमारा कोई भाई उस ब्रांच के में उसका कोई काम अटकता है तो आपको हम संपर्क करके उसकी मदद करा सकते हैं। और यही हमारे इस चैनल का मकसद भी कि हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करें और हमारी कम्युनिटी के अंदर एकता आए, तभी हमारी एडवाइज़र कम्युनिटी ग्रोथ लेगी और एक दूसरे की हम सपोर्ट करें। हेल्प अदर टू सक्सेस की हम फिलोसफी पे चलते हैं कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो दूसरा कामयाब होने में उसको आसानी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे ये जो इन्फॉर्मेशन दिए ये लिख करके भेजेंगे और आपको चार्ट मिल जाएगा। ये मेहनत दोस्तों सिर्फ आपके लिए करते हैं क्योंकि हमारा अभिकर्ता भाई कहीं इन्फॉर्मेशन की वजह से अपने काम में पीछे ना रह जाए, इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और आपके पास नई नई अपडेट्स लेकर आते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिलेटेड हो, IRDAI से रिलेटेड हो, LIC एजेंट से रिलेटेड हो, LIC से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो हो, जो हमें लगता है कि हमारे एडवाइज़र के काम के, सबसे पहले हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन जरूर बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो। इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने भाइयों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी अपने आप को अपडेट कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगले इन्फॉर्मेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।